हाय गाइस, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं टेक एट सिक्स। सो गाइस, इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी पीएस वीटा के बारे में, जो कि बेसिकली एक हैंडल डिवाइस है। हालांकि अभी PS5 निकला है कुछ दिन पहले, बट उसकी लीग अलग है और ये हैंडहेल्ड कंसोल्स की लीग अलग होती है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी सोनी का ऐसा डिवाइस है जो कि काफ़ी अंडररेटेड डिवाइस है, क्योंकि मुझे पर्सनली, मैं इतने दिन से खेल रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। और बेसिकली सोनी ने इसे 2012 में निकाला था और फिर उसके बाद इसे रिन्यू भी किया था। 2018 में सोनी ने इसे बंद कर दिया और मुझे पर्सनली काफ़ी मज़ा आया इसे खेल के, तो मैं सोचा कि आपके साथ इसे शेयर कर दूँ। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, तो आपको ये सेकेंड हैंड मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, कहीं कहीं जगह न्यू भी मिल जाएगा। 2012 में इसका दाम 22,000 था, बट अब इसका दाम घट गया है, आपको सेकेंड हैंड मार्केट में 9,000 10,000 में भी मिल जाएगा देखने को। तो जल्दी से इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि अगर आप 2020 में इस डिवाइस को लेते हो तो आप क्या मिस कर रहे हो और क्या मिस नहीं कर रहे हो, यानी कि ये वर्थ इट है कि नहीं। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आप इसे अगर पकड़ते हो तो काफ़ी प्रीमियम सा फील आएगा, थोड़ा सा बल्की है, जो कि एक हैंडल डिवाइस को होना ही चाहिए बल्की, ताकि आपको पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम सा फील आए और आपको खेलने में मज़ा आए। और अगर इसके ऊपर की तरफ बात करें, तो हमें एक डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए पोर्ट मिल जाता है, एक इसका गेम कार्ड के लिए पोर्ट मिल जाता है, एक पावर बटन मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। नीचे की बात करें तो हमें नीचे यहाँ पर इसका चार्जिंग के लिए एक पोर्ट मिल जाता है और हेडफोन जैक मिल जाता है। और यहाँ पे ये एक छोटा सा मेमोरी स्लॉट है जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और अगर हम इसके सामने की तरफ की बात करें, तो हमें यहाँ पे गेमिंग के लिए बटन्स मिल जाते हैं, एरो कीज मिल जाती है, और दोनों ही तरफ हमें यहाँ पे जॉयस्टिक मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। PSP में जॉयस्टिक नहीं था, एक ही जॉयस्टिक था, और इसमें दोनों तरफ है, तो काफ़ी अच्छी बात है, खेलने में काफ़ी आसानी होती है और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और हमें यहाँ पे दोनों तरफ एक स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है दोनों ही तरफ, और काफ़ी लाउड है ये, मतलब एक्सपीरियंस आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा गेमिंग का। और हमें यहाँ पे राइट साइड में स्टार्ट और सेलेक्ट बटन मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक PS Vita का लोगो वाला बटन मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी अलग अलग फंक्शंस कर सकते हो। तो अगर हम इसके पीछे की बात करें, तो हमें पीछे एक पैड मिल जाता है जो कि टच सेंसिटिव पैड है, और आपको गेमिंग में, बहुत सारे गेमिंग में इसका यूज़ होगा। तो ये टच सेंसिटिव पैड जो है, इससे 2-3 गेम मैंने अभी तक खेला है जिसमें यूज़ हुआ है, उसके अलावा कोई गेम में यूज़ नहीं हुआ है, बट स्टिल है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और हमें यहीं पर आगे की तरफ और पीछे की तरफ कैमरा मिल जाता है। मुझे पता नहीं इन्होंने इसमें कैमरा क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने अभी तक तो कोई ऐसा गेम खेला नहीं है जिसमें कैमरा की ज़रूरत पड़े, बट स्टिल अच्छी बात है, कैमरा है और उस टाइम के हिसाब से इसका कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तो ये भी एक एडिशनल फीचर है, तो अच्छी बात है ये। सो यहाँ पे आगे की तरफ सोनी का लोगो मिल जाता है, और ठीक उसके ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों में ये गेमिंग के लिए बटन मिल जाता है, जिसे आप टॉगल कर सकते हो और गेम खेल सकते हो, तो अच्छी बात है। इसका बैटरी बैकअप भी अभी तक काफ़ी अच्छा है। और हमें सामने की तरफ यहाँ जो डिस्प्ले है, ये एक OLED डिस्प्ले है और ये एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है, तो आपको इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर गेम खेलोगे तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि टच स्क्रीन आप जॉयस्टिक से खेल सकते हो और डिस्प्ले में, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे एक बात इसकी ख़राब लगी, कि जिसका जो मेमोरी कार्ड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। गेम कार्ड उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट मेमोरी कार्ड काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप इसे एक्सपेंड करना चाहो इसका मेमोरी, तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बट अगर आप इसमें गेमिंग करते हो, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, जैसे अनचार्टेड, असैसिन क्रीड, स्पाइडरमैन और बहुत सारे गेम हैं, कार रेसिंग, NFS, जो आप इसमें खेलोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और इसके प्ले स्टोर में एक अच्छी बात है कि सोनी ने अभी तक गेम्स बंद नहीं किया, आप डाउनलोड कर सकते हो गेम्स, गॉड ऑफ वॉर और बहुत सारे गेम्स हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और खेल सकते हो। कुछ कुछ गेम के लिए आपको पे करना पड़ेगा और कुछ कुछ फ्री भी अवेलेबल है। 2020 में अगर आप PS Vita को मॉड करा लेते हो, तो आप इसमें PSP के भी मज़े उठा सकते हो और आप इसमें रेट्रो गेम्स खेल सकते हो, जैसे बचपन में मारियो खेलते थे और कॉन्ट्रा वगैरह, तो वो सब आप इसमें खेल पाओगे। तो सिर्फ वही नहीं, आपका अभी भी इसके प्ले स्टोर में आप जाके काफ़ी सारे गेम्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है, गेम्स अभी भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, वो अच्छी बात है कि सोनी ने इसे बंद नहीं किया।
तो यस, अगर आप इसे 2020 में लेते हो, मुझे नहीं लगता आप कुछ मिस कर रहे हो। इसका गेमिंग का अपना ही मज़ा है और फ़ोन में गेमिंग का अपना ही मज़ा है, तो दोनों अलग अलग, दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से अगर आप ये 2020 में लेते हो तो आप कुछ मिस नहीं करोगे, आपको मज़ा ही आएगा। और अगर आप ये 9 से 10 हज़ार के बीच मिल जाता है तो वो एक और अच्छा एडिशनल बेनिफिट है। अगर इतने कम में मिल जाए तो आप ज़रूर लो। और मैं बहुत जल्दी इसका गेम प्ले लाने वाला हूँ, अनचार्टेड और असैसिन क्रीड और बहुत सारे गेम्स का, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।